केंद्रीय कैबिनेट की होगी अहम बैठक, पार्लियामेंट्री एनेक्स बिल्डिंग में होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। संसद में आज घिर सकती है मोदी सरकार, चुनाव सुधार को लेकर राज्यसभा में होगी बहस, 12 विपक्षी पार्टियों ने मंगलवार को दाखिल किया था नोटिस, ईवीएम की खामियों को पटल पर रखेगा विपक्ष। गृह मंत्री का पद संभालने के बाद आज पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात जाएंगे अमित शाह, 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद में कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत कई दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। 6 जुलाई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, दूसरे कार्यकाल में पहली बार जाएंगे संसदीय क्षेत्र, बीजेपी के सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। राजस्थान में पंचायती राज उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत, 74 सीटों में से 39 सीटें जीती, बीजेपी को मिली 29 सीटें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में टूटा बांध, 22 लोग हुए लापता, कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, राहत और बचाव कार्य जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मिली धमकी, पुलिस स्टेशन में मामला किया गया दर्ज। राहुल गांधी के रफाल मामले में चौकीदार चोर है वाले बयान पर सुनवाई आज, रांची अदालत ने भेजा राहुल को समन, आज पेश होने का दिया आदेश, स्थानीय वकील ने दाखिल की थी राहुल के खिलाफ याचिका। विजय माल्या को लंदन की अदालत से मिली राहत, प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की मिली इजाजत, माल्या ने बैंक और कर्मचारियों को पैसा वापस करने की कही है बात। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, बांग्लादेश को 28 रनों से हराया, रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच, आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। आर्थिक मोर्चे पर घिरे पाकिस्तान की मदद को लेकर सस्पेंस बरकरार, 6 अरब डॉलर का कर्ज देने पर आज फैसला करेगा IMF, वॉशिंगटन में होगी अधिकारियों की बैठक, 3 साल के लिए दिए जाने वाले कर्ज के लिए IMF ने रखी है कड़ी शर्तें। अमेरिका में शुरू हुआ परमाणु निरस्त्रीकरण का सम्मेलन, 40 से ज्यादा देश ले रहे हैं हिस्सा, दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने के लिए उठाया गया है कदम। रूस की एक पनडुब्बी में लगी भीषण आग, हादसे में जानमाल का नुकसान, चालक दल के 14 सदस्य अकाल के काल में समाये। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर लगाई आतंकी संगठन की मोहर, पाकिस्तान ने अमेरिका के फैसले का किया स्वागत, कहा इसके बाद BLA की गतिविधियों में कमी आएगी। चिली अर्जेंटीना में दिखाई दिया साल के पहले सूर्य ग्रहण का अनोखा नजारा, अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने जारी की तस्वीरें, भारत में नहीं दिखाई दिया सूर्य ग्रहण। हरे निशान के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 91 अंकों की मजबूती के साथ 39,907 पर पहुंचा, निफ्टी 21 अंकों की बढ़त के साथ 11,932 पर कर रहा है कारोबार। रेनो की ट्राइवर कार देश में 22 अगस्त को होगी लॉन्च, 7 सीटर कार है रेनो, 31 लीटर तक की सर्वाधिक क्षमता वाला स्टोरेज कंपार्टमेंट है, 4,40,000 से 4.5 लाख के बीच हो सकती है कीमत। बढ़त के साथ हुई रुपए की शुरुआत, डॉलर के मुकाबले रुपया आज 8 पैसे की मजबूती के साथ 69.85 के स्तर पर खुला, कल 69.93 के स्तर पर हुआ था बंद। विमानन कंपनियों को राहत, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में 5.8% की कटौती, 4 साल के निचले स्तर पर पहुंचे फ्यूल कीमतों के दाम, इंटरनेशनल लेवल पर तेल की कीमतों में आई नरमी का है असर। और प्रदूषण और जाम से निपटने के लिए सरकार का बड़ा प्लान, सरकार ला रही है व्हीकल पूलिंग पॉलिसी, सभी राज्यों को जल्द ही एक एडवाइजरी जारी कर सकती है सरकार।